ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਝਾਂਪੁਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਝਾਂਪੁਰ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ 'ਚ ਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ इन्ना ही नहीं गुरजीत सिंह साइकल राही बंगाल कन्याकुमारी ते भारत दे वख-वख कोनियां विच जाके लोकां नूं किसानी संघर्ष नाल जुड़न लई अपील करदा है इस दौरान उसने गंदले हो रहे वातावरण नूं बचाउण लई भी होका दित्ता गुरजीत सिंह ने गलबात करदिआं दस्सिआ कि उह कैंसर दा मरीज है पर जदों तों उसने साइकल चलाउणा शुरू कीता है इस नाल उसदी सिहत 'च सुधार होया उसने कहा कि उह रहिंदी उमर तक साइकल राही समाज अते वातावरण प्रति होका दिंदा रहेगा दस दईए कि कनौली पुज्जण ते इलाके दे पतवंत सज्जणा वालों गुरजीत सिंह का भरमा स्वागत किया गया वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह धन्यवाद है जी अजीत अखबार वाले का जिसे इतने आके दस दिन इंटरव्यू लैन लगे हैं मेरा नाम गुरजीत सिंह पिंड झांपर तो जिला फतेहगढ़ साहब तो दास कन्याकुमारी यात्रा करके आया पंजाब तो गया जी साइकिल से जिदे मेन मोटिव साडा पीस लाभ नैशनल इंटैग्रिटी फार्मर प्रोटेस्ट तो जी अपना साढ़े जोड़ा ह्यूमन राइट्स की गल करनी है तो जिदे मैं बड़ी सफलता मिली है पूरी तरह लोग कन्विंस होए हैं और सब तो बड़ी जी चीज़ मैं ये मिली है भी मैं गुण लैने शुरू किए हर एक जगह मैं गुण मिले हैं जिते भी देखे थे मेरे ऑपन से सारी गल गल करके झड़ते गए तो मेरे अंदर परमात्मा वालों गुणा की बख्शिश होंगी की है गुणा को होवे वासना घट वास नहीं जाए जे गुण हो गुण साजना मिल सांझ करीजा सांझ करीजा गुण है करी छोड़ है गुण चली है पैरे पटंबर मिले नंबर अपना पिंड मली है जिथे जाए बही है भला कही है झोल अमृत पी जाए दास वैसे अमरीका दे विच सैटल्ड है दास फैमिली हैगी कैलीफोर्निया दे विच है तो हुण दो साल तो इत्थे ही है पंजाब दे लोकां वास्ते पंजाब वास्ते खास करके इंडिया दे वास्ते जिहड़ा दास संघर्ष कर रहा तो जिहदे विच मैनूं बहुत ज़्यादा प्यार मिला जिहड़ा मेरी यात्रा हुई है बड़ी महाराज सपोर्ट की है तो हुण मैं आनंदपुर साहब नूं दर्शन करन वास्ते जा रहा हूँ जे महल काले कानून सीगे वह मैं कहना भी जिहड़ा सरकार नूं माफ जिहड़े वापस लै देने चाहिए है क्योंकि इहदे नाल की होगा साडा इक तबका हैगा चाहे अमीर है गरीब है चाहे व्यापारी तबका चाहे आढ़ती है सारे इस टाइम दुखी है तो हर एक बंदा जिहड़ा इहनां नूं जां नहीं लैना चाहुंदा जिहड़ी चीज़ आपां नहीं लैना चाहुंदे उहनूं वापस लैना चाहिए कोई फर्क नहीं है पिछा सोशल मीडिया से फोटो वायरल हुई थी तुम अपना इतनी ठंड में कोई सिर्फ का कपड़ा नहीं था वो क्या साबित करना चाहते थे वो क्या सीन था सारा वो जी जरा सा छोटे साहबजादे बड़े साहबजादे ने शहीदी के दिन चल रहे थे महाराज के परिवार पिछोड़े के दिन चल रहे थे जोड़े साढ़े किसान उत्थे बैठे थे 90-90 साल के बजुर्ग बीबिया बैठी थी बच्चे बैठे से उन्होंने एक उत्साह देने वास्ते एक रूह फूकने वास्ते दास के वालों भी एक यह उपराला महाराज वालों करवाया गया कि जेडे भाई राम सिंह ने उस वे ताजी ताजी गोली मारी से अपने आप को शहीद होए थे तो होर भी कई जे जब 34-35 बंदे शहीद हो गए थे हूँ तो 300 तो भी उप टप गया तो उस वे जो श्रद्धा के फुल भेंट कर एक उन्होंने जो उत्साह भरन वास्ते सानू उन्होंने इंस्पायरेशन मिली थी भी जो नहीं ठंड तो डरते हैं कि तेनों की फर्क पैन लगे करोना करोना करी जाते हैं करोना भी तो दुनिया मरती है तो जे तू उन्होंने वास्ते लोगों वास्ते मर जाएंगे की फर्क मत एक सिर्फ अपना जज्बा दिखाने वास्ते ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀਂ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕੁਛ ਬੱਸ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਆਉਣ ਦਾ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਦੀ ਹੋਈ ਬੰਬੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁਣੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਬੱਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰਮ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜੋ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 23 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਕਾਪੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈਕਲ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹੀ ਗਾ ਲਿਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤਕਾਪੜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੈਸੇ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ एक शरीर नहीं समझता क्योंकि मैंने गुरु महाराज का बख्शा हुआ ये शरीर है गुरु रामदास की कृपा नाल ही है बोनस लाइफ है ये मेरा है नहीं ता करके मैं डर डर घट ही लगता केंद्र सरकार वालों जारी किए काले कानून
उसके बारे हो क्या कहना चाहोगे जी, क्या जानना चाहते संदेश क्या देना चाहोगे जी? मेरा यही है जी भी सारे मिल बैठ के जरा कर लेना चाहिए हल, कोई फर्क नहीं पैंता है किसान जथेबंद भी जिते भी आँदी है सानू जरा जिते गौरमेंट में भी झुक जाना चाहिए, किसानों भी झुक जाना चाहिए, जिते एमिकेबल सैटलमेंट आँदी है करके जोड़े हूँ तक जोड़ा इन्ना लंबा संघर्ष किया दुनिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट संघर्ष है। तो मैं आस है भी दोनों धिर बहुत सियानी है करनगियाँ क्योंकि होर नुकसान होने तो बचाया जा सकता, साड़ी जी है इकोनमी इन्नी जी डी पी डिग रही है उन्होंने रोकने वास्ते साढ़े अंदर एक कलैक्टिवली जे असी एक होकर जिम्मे अज का जोड़ा माहौल बनया हुआ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ने इकट्ठे होकर जी सपोर्ट कर रहे हैं। पर मैनू जिम्मे मिली है मैनू किसी मुसलमान ने नहीं माड़ा किया, किसी हिंदू ने नहीं किया, किसी सिख ने नहीं किया, किसी छोटे ने नहीं बड़े ने सब ने प्यार दिता। जे मैं जो इंडिया की तस्वीर सामने आई है जे कि असी दिलों सारे इदा एक्सैप्ट कर ली है तो असी गोल्डन इंडिया द्वारा बना लेंगे। जाते जाते हूँ जो अपने नौजवान आ कुछ होर लोग ने जो मतलब सैकलिंग पसंद नहीं करते उन्होंने क्या संदेश देना चाहोगे जी? मैं देखो स्टेज पर तो है नहीं काबिल, मैं कोई ऐसा लीडर नहीं है, मैं तो एक सिर्फ अपना महाराज का एक जज्बे वालों कर रहे हैं भी जो पता नहीं कदों है सुभाषा जी होने ये तो वैसे ही निकले हुए हैं है ना, फूक जो जिम्मे टायर की फूक निकल जाती है बंदे की कदों निकल जानी है, करोना च निकल जानी है पता नहीं एक्सीडेंट में और तुम्हें पता ही है बाहर सड़कों के उसे चला रहे हैं बाकी फिर स्पीडा जा रहे हैं है ना, फिर भी दस उन्होंने महाराज का नाम लेके जा रहे हैं। तो मैं सबनों यही कहूँगा इनू एक अपना जरूरी जिम्मे होंगी ना चीज़ एक अपना वो तो बना लो भी असी सैकलिंग थोड़ी बहुत करनी करनी है तोड़े ना तो गोडे दिखणगे ना मोटे दिखणगे ना तो पेन होगा तो थोड़ी जी सेहत में मेरा काफ़ी भार से 100 क्विंटल 5 किलो भार जो हूँ 90-95 किलोमीटर रह गया मेरा काफ़ी हद तक मेरा भार जो घट गया देख सकते हो हर आगे मेरा ब्लैक एंड वाइट जरूर हो गया धुप के मल्ले नतमस्तक होने बाद अगला प्लैन किया तो अगला कि हाँ जी होला महला साहब से जाके गुरु साहब जी आशीर्वाद लैके उन्होंने धनवाद करके दास बोल होने जो नैक्सट टूर है इतों चल के पिंड तक का सैकल होगा सो उस तो फिर जो अगला प्रोग्राम शायद इस वीक पहला चंडीगढ़ जावे चंडीगढ़ जरा सारे उ मटका चौंक की ट्रिब्यून चौंक है तो जोड़े खास करके जो नैशनल मीडिया है उन्होंने आले दुआले गेड़ा कटूंगा मोटरसाइकिल से अपना जो पहला बुलट से जो मेरा जावा 42 है फिर मेरा सीधा श्रीनगर जान का वह फिर मेरी कंप्लीट जी यात्रा पहला मैं पिछले साल जाया बंगाल पश्चिमी बंगाल कलकत्ते जाया हूँ इतनी आ सारा हो गया मेरा फिर पूरी यात्रा इंडिया की हो जाएगी। अजीत दे पत्रकार जसवीर सिंह सैनी दी रिपोर्ट। देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।